माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कुर्सी पे आप विराजमान हुए, आपके पीछे नेशनल एम्बलम लगा है और ये आसन हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश की शिमला की विधानसभा में जिस कुर्सी पर कभी विट्ठल भाई पटेल आसीन हुए थे, आज आप उस कुर्सी पे आसीन हुए हैं। ये बहुत गौरव की बात है आपके लिए, ये बहुत गरिमापूर्ण समय है और 37 साल के तप तपस्या त्याग के बाद आप इस कुर्सी पे पहुंचे। 37 साल लगे तब जाके आप यहाँ सुशोभित हुए। 1985 में आपने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रवेश पाया और उस समय आप यंगेस्ट एमएलए थे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, और पांचवी दफा आप विधानसभा में पहुंचे हैं। और सचमुच अगर यहाँ पे जितने भी सदस्य बैठे हैं, आज की तारीख में अगर इस कुर्सी के योग्य कोई व्यक्ति सचमुच में है तो आप ही थे। यहाँ पे आप ही आप जैसे वक्ता हैं, जैसे प्रशासक हैं और जिस ढंग से आपने हिमाचल प्रदेश में अब तक परफॉर्म किया है, उसके चलते हमें बहुत नाज है कि आज आप इस कुर्सी पे विराजमान हुए हैं। मैं आपको, आपके परिवार को, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, आपके जिला को बधाई देता हूं। और चौथी दफा आप चंबा से, जैसे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि चंबा से चौथी दफा इस गरिमापूर्ण कुर्सी पे कोई सुशोभित हुआ है, और आपसे बेहतर संविधान को कौन जानता है, आपसे बेहतर कानून को कौन जानता है, आपसे बेहतर इस विधानसभा की मर्यादाओं को, परंपराओं को, मान्यताओं को कौन जानता है। तो इसलिए आप सबसे न्याय करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत दबाव देके बार बार कहा कि हमें आपका संरक्षण मिलेगा, आप हमारी तरफ भी नजरें अनायत रखना, इस तरफ भी नजरें अनायत रखना। और ये सही है कि आज आपकी कोई पार्टी नहीं रही, आप जब यहाँ पे बैठ गए हैं उसके बाद आपका कोई दल नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि आप हम में से गए हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है 2003 में जब टिकट लेने के लिए हम दोनों ही रह गए थे, अंत में जब टिकट की बारी थी तो अंत में हम दोनों ही रह गए। तो जब मुझे टिकट मिल गया, जिसकी चर्चा जयराम जी ने की, तो आपने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मिलेंगे, और आपने हाईकमान को यह भी कहा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस की है और मेरी समर्थन कांग्रेस को रहेगा, वो कभी के कही हुई बातें याद रखना। और आपने बेस्ट पार्लियामेंट्री का अवार्ड आपको मिला, 1985 में आपको अवार्ड मिला, उसमें मुझे बेहतरीन पत्रकारिता का अवार्ड मिला था, तो आपको बेहतरीन विधायक का अवार्ड मिला था, वो 1994 में वो अवार्ड जो मिला वो आपके पीछे है, आपने यहाँ परफॉर्म किया है, लोगों ने आपको यहाँ से नीचे से देखा है कि किस ढंग से आप परफॉर्म करते रहे हैं एज एन एमएलए, और एमएलए के कॉज के आप हमेशा चैंपियन रहे, एमएलएस के इश्यूज को आपने उठाया, एमएलएस की सुविधाओं की बातें और दूसरी बातें, और जनता में इक्वलिटी की बातें, समानता का अधिकार मिले लोगों को, उसके बारे में आपने बहुत काम किया है। और मैं समझता हूं कि इतने
एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद, जो हमारे नए एमएलएस को ट्रेन करना है, जैसे यहाँ कहा गया कि 24 एमएलए नए हैं, उनका प्रशिक्षण होना है, उनको कर्तव्य और दायित्वों के निर्वहन के बारे में शिक्षा देनी है, वो जैसे ही आप कुर्सी संभालेंगे अपने ऑफिस से, उसके बाद आपके आदेश शुरू हो जाएंगे। हम आपका इस पद पे सुशोभित होने पे पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, एक दफा हंस के दिखाओ प्लीज, क्या बात है, क्या चेहरा है, ये नूर जो है, यही हिमाचल की जनता देखना चाहती है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।